एनसीसी कैंडेट ने घायल नीलगाय को बचाया। बांसगांव थाना क्षेत्र की ग्राम छिगर मोड़ पर घायल अवस्था में नीलगाय मिली, जिसके बाद एनसीसी कैंडेट विनय यादव व विमलेश यादव ने उसका इलाज कराया। गगहा से पशु डॉक्टर को बुलाया गया और देर शाम तक उसका इलाज चलता रहा। देर शाम नीलगाय को बचाया जा सका, जिससे छात्रों में खुशी व्याप्त है। बीआरसी कौड़ीराम पर हुआ प्रधानाध्यापकों की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन। कौड़ीराम गोरखपुर। बीआरसी कौड़ीराम पर ब्लॉक के प्रधानाध्यापकों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीईओ, एसआरजी, केआरपी और एआरपी ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। बैठक को संबोधित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र प्रताप ने कहा कि नामांकन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामुदायिक सहयोग और एसएमसी की नियमित बैठक जरूरी है। उन्होंने 19 पैरामीटर की सूचना समय से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने मिशन प्रेरणा एवं ऑपरेशन कायाकल्प की स्थिति, 12 वर्ष से अपर के बच्चों का कोविड टीकाकरण, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम में साप्ताहिक गतिविधियों का क्रियान्वयन, बालिकाओं शत प्रतिशत नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करने, शारदा कार्यक्रम के तहत आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामांकन की स्थिति, समर्थ के अनुसार दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निर्देश दिया। बीजेपी सरकार तानाशाह हो चुकी है, जनता को रौंद रही है। अंबेडकर जनमोर्चा के संयोजक सरवन कुमार निराला ने कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाह हो चुकी है, जनता को रौंद रही है, लाचार जनता कराह रही है, पर कुछ कर नहीं पा रही है, जिससे आम जनता परेशान है। लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस सरकार में सभी लोग परेशान हैं। ये सरकार बहुत ही निडर सरकार है, बीजेपी सरकार। इस सरकार को डर नहीं है बेरोजगार उत्तर प्रदेश के जो नौजवान है, जो पढ़े लिखे काबिल युवा है, उनकी तकलीफों से इस सरकार को डर नहीं है। उत्तर प्रदेश में गरीबों से शिक्षा के सारे अवसर छीन रही है ये सरकार, और लगातार जुर्म जाति उत्तर प्रदेश के अंदर खूब बढ़ रहा है। लड़कियां, महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है, लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। पर ये सरकार तनिक भी डर नहीं रही है कि हमको जनता के प्रति हमारी जवाबदेही बनेगी। ये इतनी बेरहम और क्रूर सरकार है, इसलिए ऐसी सरकार के संदर्भ में मुझे आज मानवर कांशीराम साहब का कथन याद आ रहा है। मानवर साहब ने कहा था उस समय कि हमें मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि मजबूत सरकार जब होती है तो नेता तानाशाह हो जाते हैं, और जब सरकार मजबूर होती है तब उसमें जनता का भला होता है। सरकार आज मजबूत है इसीलिए जनता का भला नहीं हो रहा है, इसलिए जनता आज लाचार और कमजोर असहाय बन चुकी है। और बीजेपी सरकार का जो मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो नेता हैं, वो सब के सब तानाशाह हो चुके हैं और जनता को रौंद रहे हैं, और जनता मजबूर लाचार होकर के निरीह बन के बस रो रही है और कुछ नहीं कर पा रही है। विद्युत कटौती से आमजन परेशान है। बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत कटौती से आमजन परेशान है। इस गर्मी में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी में विद्युत कटौती होने से लोगों को तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। गर्मी में विद्युत की कटौती ज्यादा हो रही है, क्या इससे क्या परिणाम है? बिल्कुल, विद्युत कटौती के पीछे जो रीजन है, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, कोयले के उत्पादन में काफी कमी आई है पिछले दिनों, जिसकी वजह से आज हमारा जो बिजली उत्पादन है पूरी तरीके से कोयले के ऊपर निर्भर है। हम वैकल्पिक विकल्प के रूप में आज बात नहीं कर पा रहे हैं या कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए जब कोयले का उत्पादन कम हो रहा है तो बिजली कम मिल रही है और बिल्कुल दिक्कत हो रही है। प्रचंड गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर आम जगह पर आज के समय में देखा जा
जा रहा है और ऐसे में बिजली के ऊपर निर्भरता बहुत ही ज्यादा लोगों की है। रिहायशी मकान के पास डीजे खड़ा कर अश्लील गाना बजाने से मना करने पर मचा बवाल। घर में तोड़फोड़ व की गई आगजनी, बाइक भी फूंक दी गई। पुलिस के ढुलमुल रवैये पर पीड़ित पक्ष का आक्रोश। गोला थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर खुर्द गांव में हरजन बस्ती में आई बारात में द्वार पूजा पर जाते समय लड़का पक्ष द्वारा रास्ते में रिहायशी मकान के पास डीजे खड़ा कर डीजे पर अश्लील गाना बजाने से मना करने पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों पर दलितों द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोट आई है। तीनों का इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहां 3 घायलों की स्थिति चिंताजनक है। नारायणपुर खुर्द गांव में राजकिशोर तिवारी के लड़के की शादी थी। गांव के ब्राह्मण समुदाय के लोग बारात चले गए थे। गांव पर ही हरिजन बस्ती में अवधेश प्रसाद के घर पर लड़की की शादी थी। बारात आई और डीजे पर अश्लील गाना बजाते हुए बाराती गांव में प्रवेश किए और रास्ते में ही एक रिहायशी मकान के पास डीजे खड़ा कर अश्लील गाना बजाने लगे। उस घर से एक लड़का आया और कहा कि गंदा गाना बजाना है तो जिसके घर बारात आई है वहां जाकर बजाओ। इतने में ही दलित बस्ती के करीब 200 लोगों की भीड़ ने उत्पात करते हुए चतुर्धन त्रिपाठी के 3 कटरैन डालकर बनाए गए आवासीय मकान को तोड़फोड़ कर गिरा दिया तथा 1 मोटरसाइकिल और 2 साइकिल में आग लगा दी तथा बगल के दिनेश त्रिपाठी के मारुति 800 कार को भी ईट डंडा से कूच कर क्षतिग्रस्त कर दिया। देव स्थान के फाटक को भी तोड़ डाला। निपुण भारत अभियान के तहत चहक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गोला गोरखपुर गोला ब्लॉक के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मदहरा में केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना निपुण भारत अभियान के तहत चहक कार्यक्रम के द्वारा बाल वाटिका से संबंधित गतिविधियों का सफल संचालन करने से नवीन नामांकन में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जिसके संबंध में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के नोडल शिक्षक व विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि बाल वाटिका से संबंधित चहक पुस्तक में नवीन नामांकित बच्चों के लिए विद्यालय में उन्हें सहज करने और उनको विद्यालय के परिवेश के अनुकूल बनाने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां दी गई हैं, जिनको कराने के लिए 12 सप्ताह की समय सारणी जारी हुई है, जिसका अक्षरशः पालन करते हुए प्रतिदिन गतिविधियों को कराया जा रहा है तथा अभिभावकों का विद्यालय परिवार द्वारा किए जा रहे शैक्षणिक प्रयास के प्रति विश्वास बढ़ा है। नगर पंचायत गोला की बोर्ड की आयोजित हुई बैठक। गोला गोरखपुर नगर पंचायत के विकास के लिए नगर पंचायत गोला सभागार में बोर्ड की बैठक देर शाम तक चलती रही, जिसमें लगभग 4 करोड़ का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें गोला के सभी वार्डो के साथ साथ विस्तारित क्षेत्र की सड़कों को ठीक किया जाएगा, सीसी और नाली निर्माण कार्य होगा, क्षेत्र के सभी खम्भों पर LED लाइट एवं हाई मास्ट लगेंगे, नगर पंचायत पर वाटर ATM मोबाइल ट्रांसफार्मर के साथ साथ सभी प्रमुख जगहों पर सीसी कैमरे तथा चंद चौराहे पर 12129 का एक बड़ा LED स्क्रीन व थाना तहसील सभी धार्मिक स्थलों पर पिंक शौचालय बनेंगे। उसके साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी क्षेत्रों को स्वच्छ करने के लिए गाड़ियों का प्रबंधन होगा। बैठक में चेयरमैन लालती देवी, अधिशासी अधिकारी रघुवेंद्र प्रताप सिंह, सभासद शत्रुघ्न कसौदन, अशोक वर्मा, इमरान अंसारी, राजकुमार गुप्ता, राम शब्द भारती, राम शब्द निषाद, पुष्पा कसौदन अन्य लोग शामिल रहे। सड़क खोद कर छोड़ देने से ग्रामीण परेशान। कगहा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा डेमुसा में सड़क खोद कर छोड़ देने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बताते चलें कि गांव में पेयजल की व्यवस्था के लिए पानी की टंकी का निर्माण कराया गया, अब उससे बाद पाइपलाइन के माध्यम से गांव में पाइप बिछाया जा रहा है, जिसके कारण सड़क को खोद कर उसी तरह छोड़ दिया गया, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। डेमुसा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल की गई व्यवस्था। डरहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा डेमुसा में पेयजल की व्यवस्था के लिए एक टंकी लगाई गई है, जिसके बाद गांव में घरों घरों जाकर पाइपलाइन बिछाया जा रहा, जिससे लोगों को घर पे ही शुद्ध जल मिल सकता है। ऐसे में उसकी मासिक शुल्क
करीब 50 रुपये निर्धारित की गई है। जो लोगों को भरना होगा लोगों को सुबह शाम पेयजल शुद्ध मिलेगा। डढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा के मुसा में जल जनजीवन मिशन के तहत पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। इस मौके पर गांव में खुदाई करके पाइपलाइन बिछाया जाएगा जिससे लोगों को पेयजल की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सस्ते दर में भारत सरकार द्वारा लोगों को पेयजल की मुहैया कराने की एक पहल किया गया है जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिले और गांव में बीमारियों से बचा जा सकता है।